हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद है सब लोग बढ़िया होंगे। तो आप देख सकते हैं मेरे पास ये क्रिस्टल वाला झूमर है और इसकी फिटिंग मैं कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं जो गोल्डन पाइप है पतली वाली, इसको हम कुछ इस तरह अंदर डाल के नट बोल्ट से टाइट कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे 3-in-1 लाइट है, वाइट वार्म वार्म वाइट। ये जो है स्विच ऑन ऑफ करने पर वाइट कलर इसका चेंज होता रहता है। यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो क्रिस्टल लटकाने के लिए, टांगने के लिए जो रिंग दिया हुआ है, इस रिंग के अंदर हमें 4 फीट ये जो स्टिक है 3 इंच का, ये इसको अंदर से लगा के और बाहर से इसको स्क्रू से हम टाइट करने, कुछ इस तरह जिस तरह मैं टाइट कर रहा हूँ इस तरह आपको टाइट कर लेना है अंदर से। तो 4 पीस लगने के बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। इसका काम जो है अभी लगेगा। तो आप देख सकते हैं आप, ये जो है कंप्लीट हो चुका है चारों। और इसके बाद हम जो है आगे का काम देखते हैं। यहाँ पर जो मेरी प्यास ये लाइट है, इस लाइट की फिटिंग अब इसके अंदर करना है। तो आप देख सकते हैं इसके साथ एक नट बोल्ट दिया होता है, इसमें से हम जो है एक नट को निकाल लेंगे। इसके बाद दूसरा नट इसमें रहने देंगे और इसमें लाइट में लगा के इसको टाइट कर देंगे। इसके बाद इसका वायर जो है खींचो, इसका वायर यहाँ पे बीच में सेंटर में जो होल दिया होता है उस होल में से पार करके लाइट को अंदर से वायर को बाहर कर लेंगे। इसके बाद इस वायर के अंदर से जो है हम जो मैंने नट निकाला था उस नट को लगा के और यहाँ पर ऊपर से टाइट कर देंगे, जिससे कि हमारी लाइट जो है टाइट हो जाएगी इसके अंदर। और ये लाइट टाइट होने के बाद जो हमारा रिंग है तैयार किया था हमने, उस रिंग को फिर लगाएंगे। तो अभी यहाँ पे ये देख सकते हैं ये टाइट हो चुका है। और अभी इस रिंग को जो है इसके नीचे लगा के ऊपर से 4 स्क्रू से हमको टाइट करना है। तो चलिए इसको अब लगा लेते हैं फटाफट। अभी ये होल देखकर ये 4 पीस ये जो है, मतलब 4 होल यहाँ पे जो है दिए गए हैं। तो इन होल को हमें मैच करना है उस नीचे वाले रिंग के स्टिक के साथ। और यहाँ पे मैच हो जाने के बाद यहाँ पे जो है पेच से हम इसको टाइट कर देंगे, जिससे कि हमारा ये जो रिंग है नीचे का ये पूरा अच्छे से पकड़ में आ जाएगा और जो शीशे के क्रिस्टल लगेंगे वो मजबूती से टंगे रहेंगे। तो यहाँ पे वायर में हम इसको जो है क्लैंप को अंदर कर लेते हैं। ये जो है चैन को हैंगिंग करने के लिए होता है। इस क्लैंप को यहाँ पर टाइट करने के बाद यहाँ पर जो है इसके अंदर एक पेच लगता है, तो उस पेच को हम लगा देंगे ताकि जो है ये घूम के खुल के निकले ना। तो यहाँ पे इसको लगा लेते हैं, पहले इस पेच को लगा लेते हैं ताकि ये खुले ना। तो ये यहाँ पे ये लग चुका है और ये चैन है, इस चैन को हम इसके अंदर लगा के इसके बाद इसको जो है टाइट कर देंगे। ये स्क्रू पे होता है, इसको टाइट कर देंगे। यहाँ ये टाइट हो जाने के बाद इसके साथ दूसरा भी जो है क्लैंप लगाएंगे इसके ऊपर साइड में। और यहाँ पे तार बीच में से पार करने के बाद इसके साथ कपड़ा दिया होता है। आप चाहे तो कपड़ा यूज कर सकते हैं, वरना ऐसे ही लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कपड़ा लगा रहा हूँ और कपड़े को नीचे करके बाद में टांग दूंगा मैं। तो यहाँ पे ये मेरा जो वायर अंदर निकल चुका है और कपड़े के अंदर ये सभी जो है चैन वायर ये सब हो चुके हैं कपड़े के अंदर। तो मेरा लगभग काम यहाँ पर सब हो चुका है, अभी क्रिस्टल लगना बाकी है। तो चलिए यहाँ पर पहले हम जो है इस पाइप को अंदर जो है वायर को डाल के जो कटोरी होती है इस कटोरी से बाहर निकाल लेंगे और यहाँ पे स्क्रू में टाइट करके इसको भी कंप्लीट कर लेंगे। बाकी का काम हम आगे करेंगे। सबसे पहले हम क्रिस्टल को अब लगा लेते हैं। तो ये क्रिस्टल जो है थोड़ा ध्यान से निकाल के लगाना होता है, क्योंकि बहुत जल्दी अगर थोड़ा सा भी हाथ से छूट गया तो ये टूट जाता है। तो बहुत केयरफुली इसको लगाना होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो स्टेबलर की तरह एक पिन होती है, तो इस पिन को इसके अंदर एक साइड से लगा के और दूसरी साइड से रिंग के अंदर कुछ इस तरह फंसाया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं इसको लगा रहा हूँ। तो ये जो होल दिए हुए हैं, इस होल के अंदर इस स्टेपलर वाली पिन को, स्टेपलर की तरह पिन है, उस पिन को अंदर डाल के इस दोनों साइड से इसको पॉइंट कर देंगे। बस यहाँ पर इसका काम हो गया है। इसी तरह हमें जितने भी होल हैं, जितने भी पीस क्रिस्टल हैं लगने के लिए, सब इसी तरह से हम लगा देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं 2 पीस लगा चुका हूँ और तो जो मेरे साथ ही लोग हैं वो लोग भी लगा रहे हैं। तो यहाँ पे मेरा काम थोड़ा जल्दी हो जा रहा है। और यहाँ पे ये हुक दिया गया है, आप इसको छेद करके जो है सेलिंग में टाइट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं जो है इसको बैंड करके इसके साथ नट बोल्ट से कस दिया हूँ, क्योंकि मेरे पास फैन बॉक्स है, उसमें सीधे में ले जाके इसको वहाँ पर टांग दूँगा, उसको हैंगिंग कर दूँगा वहाँ पर। तो मुझे छेद वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, मेरा फैन बॉक्स वहाँ पर लगा हुआ है। तो अभी मैं फिटिंग करने जो है यहाँ इसको हैंगिंग करने के लिए ऊपर चढ़ चुका हूँ। और इसको आप देख सकते हैं मैंने इसको हाथ में उठा लिया है। और दोस्तों इसकी जो लुक है वो लुक लाइट जलने के बाद तो उतना क्लियर नहीं आएगा, क्योंकि कैमरे में उतना कैप्चर नहीं होता है।
आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ एक लैंप की तरह दिख रहा है, लेकिन ये जो है जब हम विदाउट कैमरे से देखेंगे तो ये हमें बहुत ही खूबसूरत दिखता है। फिलहाल आप ये झूमर भी देख सकते हैं, ये इस झूमर की भी फिटिंग किया है मैंने, पर इसकी वीडियो नहीं बना पाया हूँ क्योंकि भाई साइड पे हमें काम करना होता है तो वीडियो बनाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, मुश्किल होता है, तो जितना हो सकता है उतनी वीडियो बनाते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, इसी तरह की वीडियो लाता रहता हूँ। तो ये जो है एक झूमर और लगाया मैंने, इसमें करीब 2 घंटे लगे हैं, लेकिन कोई बात नहीं यार, अगली बार नेक्स्ट टाइम इसको वीडियो फिर से बनाएंगे कभी मिलेगा तो। और ये झूमर लगभग जो है 18.5 से 19 हज़ार का ये वाला झूमर है, ये जो बड़ा वाला झूमर आप देख रहे हैं ये 18.5 से 19 हज़ार, ये आपको बाज़ार में 20 हज़ार तक ये झूमर मिल जाएगा।